सुभाष जी जितने भी आप देखे हो ना खेत, ये पूरे राइस के खेत है। सुभाष कुछ ही देर में हमारा नंबर आ जाएगा। सो गए गाइस, अभी हम हाउस बोट से निकल चुके हैं और अभी सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सभी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। और रात का तो आपने भी देखा कि कितना शानदार, रात को हमने केक कटिंग किया, वंशिका जी ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर सारा और कुछ डांस भी। सो सुबह सुबह हम उठ गए थे तकरीबन 7 बजे, 7 बजे उठ के सबसे पहले नहाए, ब्रश किया और जो हमारा काम था, लुक एट दिस, कि हमारा काम अभी प्रोसेस पे चल रहा है क्योंकि यार नेट की स्पीड यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ जियो की थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन एयरटेल वोडाफोन तो भैया बिल्कुल नहीं आ रही स्पीड, खास करके तो LAP में। तो अभी बस 9 बजे हमारा चेकआउट है, तो अभी 9 बजे हम चेकआउट कर देंगे और ये वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। जो थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना भी है, सामान भी पैक करते हैं और ड्राइवर को फोन करते हैं, ड्राइवर बाहर आ जाएगा सो फिर चलेंगे। और आज हमारा टूर है ठेकड़ी का, तो आज ठेकड़ी जाएंगे, उससे पहले जो ये काम है मतलब आप सब लोगों को वीडियो दिखाने का, तो वो काम सबसे पहले करेंगे। सो लेट्स सी, पहले ये करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से 9 बजे। वो साथ ही इस लोग को करते हैं स्टार्ट। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, मैं डॉक्टर अपना साईं श्याम जाधव एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल SVM Vlogs। सो गए गाइस, अभी हम हाउस बोट से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हमारे ड्राइवर के पास, वो हमें लेके जाएगा ठेकड़ी। सो आज हमारा ठेकड़ी का प्लान है, सो चलते हैं फटाफट, और ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है बाहर। सो गाइस हमारी टैक्सी आ चुकी है, ये रही टैक्सी, सो सामान रखते हैं और चलिए। और आज कैसे हो? ठीक है, कैसे हाउस बोटिंग है, कैसे हो? अल्टीमेट मज़ा आ गया। सो गाइस आज जा रहे हैं ठेकड़ी, सो वहाँ का देखते हैं ठेकड़ी क्या वेदर है, वहाँ का कैसा वेदर होगा, ठेकड़ी का वेदर कैसा होगा, कितने किलोमीटर है, वेदर मौसम मौसम हाँ कूल कूल। सो गाइस भैया अच्छा लगा, ज़्यादा कूल नहीं है, नॉर्मल। सो यहाँ से जो गए गाइस 150 किलोमीटर ठेकड़ी है, सो जल्दी से निकलते हैं और सो चलिए चलते हैं, गर्मी बहुत है यार, शुक्र है एसी में आके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत गर्मी पड़ती है यार, बहुत गर्मी पड़ती है, ये गर्मी अपने जून या जुलाई में पड़ती है, इधर में गर्म है, मुनार का है और ठेकड़ी से मुनार का 140 किलोमीटर समथिंग। बाकी रात को तो भाई केक कटिंग करने के बाद बड़ा ही अच्छा लगा, उसके बाद और नेट की स्पीड थोड़ी स्लो थी क्योंकि वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि नेट इतना स्लो था कि मेरे फ़ोन का नेट खत्म हो गया, दोनों फ़ोनों का, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुई। देखते हैं रास्ते में कहीं हमें वाईफाई मिलता है ना, हो सकता है कि आज जब तक आप देख रहे हो वीडियो तो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। सो गाइस जितने भी आप देख रहे हो ना खेत, ये पूरे राइस के खेत है, ऐसा भैया का कहना है। सो गाइस अभी हम ठेकड़ी पहुंचने वाले हैं, लगभग 75 किलोमीटर के राउंड रह चुका है ठेकड़ी, और यहाँ पे 3 चीज़ें काफ़ी फेमस है, जंगल सफारी एंड कथकली एंड करली। और जो जंगल सफारी है वो जंगल में लगभग 3 घंटे की सफारी होती है, सो एक जीप में कम से कम 3 से 4 जने समथिंग। और आज का स्टे हमारा यहाँ पे देगा ठेकड़ी का, आज ठेकड़ी का स्टे रहेगा एंड देन कल मुन्नार। तो चलिए गाइस सो मिलते हैं यहाँ से ठेकड़ी पहुँच के, और मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा है, एलपी और कोची के मुकाबले यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा है। सो गाइस खाना हमारा आ चुका है, खाते हैं खाना, और वंशिका जी का भी खाना आने वाला है। गाइस अभी खाना खुना आके जस्ट अभी बाहर निकले हैं, समथिंग 10 से 15 मिनट का रास्ता हो रहा है चुका है, तो अभी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं कि ड्राइवर कहाँ पे है। कैसा लगा खाना आपको? मेरी पाव भाजी तो बिल्कुल बकवास थी, पर आलू पराठा थोड़ा बहुत ठीक था, खा लिया। हाँ बट मुझे भी थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा, ज़्यादा नहीं। हेलो आ जाओ भैया। तो गाइस अभी हम जाएंगे जंगल सफारी देखने जाएंगे। एक्चुअली अभी हम जाएंगे जंगल सफारी करने, दिल्ली से यहाँ पे केरला बस हाथी घोड़ा देखने आया है। अभी हम जंगल सफारी जाएंगे, तो ड्राइवर साहब अभी आ रहे हैं, ठीक ठाक सा खाना था, नाम नहीं बताऊंगा कि क्या बोल रहे हो यार, खाना इतना अच्छा था फिर नाम की नहीं बताया, खाना अच्छा था नाम भी हम नहीं बताएंगे आप, क्योंकि इन्होंने मेरे को चाय नहीं दी तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। इनको चाय पीनी थी पर इनको चाय नहीं मिली, तो फिर इसलिए इनका मन उदास हो गया, क्योंकि जो इंसान चाय पीने के आया सोते ना उनको चाय नहीं मिलती, तो फिर वो हो जाता है कि यार मुझे चाय मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं, गाड़ी हमारी आ चुकी है, जो भी चलिए चलते हैं, गाड़ी हम भी चलते हैं।
तो गाइस अभी हमारी एलिफेंट राइड स्टार्ट होने वाली है और हमने एंट्री कर ली है। ये तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो बोल रही हूँ कि एक्सचेंज कर लेते टिकट, पर इनको पता नहीं क्या शौक है। इनको तो थोड़ा डर लग रहा है, बट चलते हैं हम तो राइड करेंगे। ये कुछ यहाँ का व्यू है निकल दिस। ये एलिफेंट बात ऐसा होता है और इसमें नहलाने के इनको पैसे नहीं बढ़ते, समथिंग 500 रुपीज। तो गाइस अभी हमारा नंबर आ चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। सो कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिश कैरी पहले चाहिए यहाँ को फाइनली हम बैठ चुके हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सो काफी मजा आ रहा है, नॉट बैड है ना? मुझे तो कोई पता नहीं आ रहा। सो गाइस हम आ चुके हैं हाथी की सफारी करके और बड़ा ही अच्छा लगा। लास्ट में तो जब आशीर्वाद दिया, अच्छे से आशीर्वाद दिया। एक्चुअली उन हाथी को भी पता है कि लड़के थोड़ी कमजोर है, इसलिए हम पे कम जब दबाव डाल रहे हैं। सो अभी हम चलते हैं कथकली शो पे। कथकली शो में अभी लगभग आधा घंटा पड़ा है, यानी तो आधे घंटे बाद शो स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर ट्वेल्डी शो देखेंगे। जब आप ठेकड़ी आओ ना, तो ठेकड़ी में ना जो नॉर्मल चोल है ना खाने वाली, वो तो आप लीजिएगा, लेकिन हॉट चोल जो ना ऐसी, तो ऐसी चोल नहीं लेने का, क्योंकि खाई भी नहीं जाएगी, बहुत डार्क है। नॉर्मल खाओ बढ़िया, बस ये कारण था सच में जानी तुम्हें जा रही। सुबह के निकले हुए हम अब होटल में आए हैं, बस यार घूम ही देते। जब हम ठेकड़ी पहुंचे तो ठेकड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलिफेंट की सवारी करी एंड नेक्स्ट कथकली डांस शो देखा एंड थर्ड डी मूवी थिएटर शो डेस्ट। एंड सेकेंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आओ ना तो ट्वेल्डी शो मत देखना, और कथक शो देखना लाइक है कल भी देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ से जुड़ी हुई। जस्ट अभी हम होटल गए, होटल का व्यू कुछ ऐसा है। फिलहाल अभी थोड़ा करते रहें क्योंकि सुबह से थक चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। ओके तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि 8:30 का टाइम हो चुका है। थोड़ा आराम करने के बाद अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, सो अभी हम निकलते हैं खाना खाने के लिए। सो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं खाना खाने। चलिए हम ऑर्डर देते हैं, मिलते हैं यार। क्या खाना पसंद करोगे? खाने में हमने राइस दाल और रोटी ऑर्डर की थी, खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। तो वैसे हम रूम पे आ चुके हैं और करते हैं वीडियो ग्राइंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम सर, हम बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सुबह के।